हाय एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर फैमिली। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बारे में। दोस्तों, ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक चार्ट में कहाँ पे बनने से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में ए टू जेड हम आज डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट। दोस्तों, ये तो हमको सबको पता ही है कि पहले एक रेड कैंडल बनेगा छोटा सा, उसके बाद एक बड़ा वाला ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, जो कि इस रेड कैंडल को एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, इसी को हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या ये बुलिश एनगल्फिंग जहाँ पे भी बनेगा हम वहीं ट्रेड ले लेंगे? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जिसको कि सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद हम बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं वो कंडीशंस क्या क्या होता है। दोस्तों, ये बुलिश एनगल्फिंग रिवर्सल केस में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल मतलब मार्केट ऐसे गिर रहा है, ठीक है, ऐसे गिर रहा है और यहाँ से रिवर्स हुआ मार्केट। ठीक है, यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। ठीक है, इसी को हम रिवर्सल बोलते हैं, इसी को हम रिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं ट्रेड लेने के लिए क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसको हटा देते हैं। दोस्तों, पहला कंडीशन, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, मार्केट में 250 से 300 पॉइंट गिरना चाहिए। ठीक से, ठीक है, 250 से 300 पॉइंट गिरना चाहिए मार्केट। और ये कितने कैंडल में गिनना चाहिए? 8 to 10 कैंडल्स में। ठीक है, 8 से 10 कैंडल मिनिमम चाहिए। ठीक है, ये गिरावट आने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ तो टेक्निकल एनालिसिस के बुक्स में भी लिखा हुआ है, तो फिर पैसा क्यों नहीं बनता है भाई? दोस्तों, अगर ट्रेडिंग इतना आसान होता तो फिर 90% ट्रेडर्स लूज क्यों करते हैं मनी? ठीक है, इतना आसान नहीं है भाई, लॉजिक समझना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, बुक्स में सिर्फ आपको थ्योरी मिलेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कंडीशंस है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या क्या कंडीशन है। देखिए दोस्तों, ये जो डाउन ट्रेंड है ना, ये छोटा टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम में ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि मान लो 1 डे कैंडल देख लो। ठीक है, 1 वीक कैंडल देख लो। ठीक है, 1 डे कैंडल, वीकली कैंडल, मंथली कैंडल, ठीक है, ये पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रेंड पॉजिटिव में होना चाहिए। और ये जो डाउन ट्रेंड है ना, ये छोटा टाइम फ्रेम में होना चाहिए, 5 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। ठीक है, ये छोटा टाइम फ्रेम में मतलब डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, मैं समझाता हूँ कैसे। देखिए, मान लो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, ये जो 250 से 300 पॉइंट, ये बैंक निफ्टी का। ठीक है, ठीक है, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, मान लो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये बड़ा टाइम फ्रेम में, 1 डे की टाइम फ्रेम में, 1 डे कैंडल में ये बुलिश है। ठीक है, सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ।
वन डे टाइम फ्रेम में ये बुलिश है, ठीक है, ये बुलिश है, और छोटा टाइम फ्रेम में यानी कि मान लो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, ये टाइम फ्रेम में ये बेरिश है, ठीक है। ओके, तो ये है बड़ा ट्रेंड, ठीक है, बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, और छोटा टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, ठीक है, ऐसे। ये है लॉजिक दोस्तों, ये थ्योरी नहीं, ये प्रैक्टिकल है, ये लॉजिक है, ये एक्सपीरियंस है दोस्तों, आप चार्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको, अगर ऐसे हुआ, ठीक है, अगर ऐसे हुआ फिर यहाँ पे मान लो ये 8-10 कैंडल यहाँ पे गिर गया, ठीक है, उसके बाद एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक है, मेजर ट्रेंड बुलिश है, एंड ये जो गिरावट था छोटा टाइम फ्रेम में ये था प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, ये प्रॉफिट बुकिंग था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट फिर से ऊपर चलेगा, ठीक है, क्योंकि मेजर ट्रेंड बुलिश है, अप ट्रेंड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन है 250 से 300 पॉइंट गिनना चाहिए, ठीक है, ये बैंक निफ्टी के केस में, ठीक है, अगर निफ्टी है तो निफ्टी में 82-120 पॉइंट गिनना चाहिए, ठीक है, निफ्टी में, और कोई स्टॉक है तो उसमें 2-3% गिनना चाहिए, ठीक है, ये निफ्टी के केस में, ये बैंक निफ्टी के केस में, ये निफ्टी के केस में, और ये स्टॉक स्पेसिफिक के केस में, ठीक है, ये था दूसरा कंडीशन। ओके, तीसरा कंडीशन ये है कि 8-10 कैंडल गिनना चाहिए, ठीक है, और इसमें भी एक बहुत बड़ा कंडीशन छुपा हुआ है, ठीक है, जो कि सबको मालूम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कंडीशन है, ठीक है, इसको समझना ज़रूरी है, ये जो 8-10 कैंडल है ना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये जो 8-10 कैंडल है ये बहुत बड़ा बड़ा कैंडल नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये छोटा छोटा कैंडल होना चाहिए, देखिए ये ऐसे नहीं गिनना चाहिए, ऐसे नहीं गिनना चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं गिनना चाहिए मैं उसको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का एंट्री हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर 2-3 कैंडल में मतलब 250 पॉइंट गिर जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन कैंडल है, हमको छोटा छोटा कैंडल चाहिए, ठीक है, छोटा छोटा कैंडल में 250 पॉइंट गिनना चाहिए, 250-300 पॉइंट गिनना चाहिए, ठीक है, ऐसे छोटा छोटा कैंडल, ठीक है, बीच में ग्रीन कैंडल भी हो सकता है, ठीक है, ये जो 8-10 कैंडल ना, ये टोटल मतलब 8-10 कैंडल टोटल रेड नहीं है, मतलब ग्रीन भी होना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे ग्रीन भी हो सकता है, फिर रेड भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ओवरऑल ट्रेंड डाउन होना चाहिए, एंड उस डाउन ट्रेंड में टोटल नंबर ऑफ कैंडल 8-10 होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम, उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा, और भी अच्छा। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव है और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, तो फिर दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी सोने पे सुहागा है,
ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे ट्रेड का एक्यूरेसी 95% बन जाता है, ठीक है, ऐसा मौका छोड़ना नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारा पुराना चैनल डिलीट हो चुका है, इसलिए बहुत दुख होता है क्योंकि बहुत मेहनत किया था मैंने उस चैनल पे। ये हमारा नया चैनल है, प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, एक लाइक एक सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सकता है तो प्लीज़ एक कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगर स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग आपका किसी भी सवाल है आप हमें पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों।